हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर साल 2020 बेहद दबाव वाला रहा है। बीते साल लॉकडाउन की वजह से जहां डिमांड बेहद कमजोर हुई, बहुत से लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी। जॉब और एम्प्लॉयड पेमेंट के मामले में भी अभी भी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है। ऐसे में इस बार बजट से बेहद उम्मीदें हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। बजट 2021 को पेश किए जाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों केंद्रीय बजट को बनाने में जुटी हुई हैं। समाज का हर वर्ग बजट से कुछ न कुछ उम्मीद लगाए हुए है। इस बीच विभिन्न सेक्टर्स की ओर से बजट डिमांड्स और सुझावों में भी तेजी है। उधर बताया जा रहा है कि आने वाले केंद्रीय बजट में सैलरीड क्लास या मध्यम वर्ग को मायूसी हाथ लग सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बात के आसार हैं कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करेगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि सेक्शन 80C और 80D में सैलरीड क्लास या मध्यम वर्ग को कुछ राहत दी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर खास ऐलान संभव। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की व्यवस्था। सरकार बजट में 100 बेड से कम के अस्पतालों पर टैक्स छूट का प्रावधान ला सकती है। अस्पतालों की मौजूदगी की क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने वाली कंपनियों को भी फायदा दिए जाने पर विचार। टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 में 50 बेड वाले अस्पतालों को टैक्स छूट के दायरे में शामिल किया जा सकता है। निवेश पर टैक्स छूट की मांग। स्वास्थ्य से जुड़े निवेश पर भी टैक्स छूट का फायदा देने पर विचार। प्रोविडेंट फंड स्कीम के तर्ज पर हेल्थ केयर सेविंग फंड की स्थापना की जानी चाहिए। टैक्स छूट का भी विकल्प दिया जाए। मोदी सरकार के आगामी बजट को लेकर हर सेक्टर को उम्मीद है। कोरोना काल में जिस तरह से तमाम सेक्टरों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि इस बार का बजट उनके लिए कुछ राहत लेकर आएगा। मिशन आयुष्मान भारत के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक तक पहुंचाने पर फोकस। टैक्स छूट के चलते क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मांगे। पीएलआई स्कीम का विस्तार किया जाए। टैक्स दरों में कमी जरूरी। प्रोत्साहन की जरूरत। समय के साथ बदलाव जरूरी। बैंकों की एसेट क्वालिटी पर फोकस। बजट में बैड बैंक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। बैड बैंक एनपीए खरीद कर रिकवरी का काम करेगा। बजट में नया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने की चर्चा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा बिल की भी उम्मीद। बजट में दिवालिया हो चुके प्रोजेक्ट को टैक्स छूट मिल सकती है। रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट को राहत मिल सकती है। सरकारी बैंकों के निजीकरण की तैयारी है, जिसकी झलक बजट में दिख सकती है। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की उम्मीद। सरकार मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। असल में मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर नौकरी देने वाला सेक्टर है। किफायती मकान, रियल एस्टेट, पर्यटन, बुनियादी ढांचे को वित्तीय प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद। पांच बड़ी चुनौतियां। घरेलू मांग को पटरी पर लाना। 2017-18 के नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 से ही ग्रामीण भारत में खपत व्यय गिरने लगा था और 2017-18 में ये केवल शहरी भारत में बढ़ा। आने वाले महीनों में मोबिलिटी और इम्यूनिटी बढ़ने से खपत को लेकर होने वाला खर्च बढ़ सकता है। जबरन हो रही बचत के फिर से बाहर निकलने पर तेजी की संभावना है। बेहतर नौकरियां मुहैया करवाना। खपत बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री को बेहतर वेतन वाली नौकरियों की व्यवस्था करनी होगी। पिछले कुछ सालों में वेतनभोगियों की संख्या धीमी रफ्तार से ही सही पर काफी बढ़ी है। महामारी ने वेतनभोगियों की संख्या काफी घटा दी है। वित्त वर्ष 2020 में एक सर्वे के मुताबिक वेतनभोगियों का प्रतिशत 21% था, जो
सितंबर 2020 में घटकर 17% हो गया। जुझारू पर वापस लौटाना, नौकरियां बढ़ाने के लिए उद्योगों को नया निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। कई साल से निवेश का पहिया सुस्त चाल दिखा रहा है और पिछले साल तो पूरी तरह से थम गया। भारतीय जीडीपी में नए निवेश का हिस्सा इस साल 24% से भी कम रहने का अनुमान है, जो दो दशक का सबसे निचला स्तर होगा। कर्ज की उपलब्धता का संकट खत्म करना, हाल के वर्षों में बैंकों ने बैड लोन यानी एनपीए को कम करने में काफी सफलता हासिल की है, लेकिन महामारी ने इन पर पानी फेर दिया है। आरबीआई द्वारा हाल में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत स्ट्रेस टेस्ट में कहा गया है कि सितंबर 2021 में बैंकों का बैड लोन 14% तक बढ़ सकता है, जो पिछले साल के तुलना में दोगुना होगा। महंगाई बढ़ाए बिना खर्च बढ़ाना, अर्थव्यवस्था के तीन खास इंजन खपत, निवेश और निर्यात काफी खराब स्थिति से गुजर रहे हैं। सारा दारोमदार सिर्फ सरकार के कंधे पर है। इनको चलाने के लिए सरकार को अतिरिक्त उधारी लेनी होगी, जो सार्वजनिक कर्ज और जीडीपी के अनुपात पर असर डालेगी। महामारी के माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूंजी व्यय और कर्ज के उठान के दो महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक कारगर योजना तैयार करनी होगी। इस समय जब कमोडिटी के दाम दुनिया भर में तेजी पर है, सिर्फ राजस्व खर्च को ध्यान में रखकर पैसा लगाना भारत की मौद्रिक नीति निर्धारकों के लिए जटिल कार्य होगा और ये जोखिम भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को रोक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी बीच वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट कार्यक्रम की ओर बढ़ लेते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं अलग अलग लोगों की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। भारत सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसने आम आदमी जो लॉकडाउन में जिसने मस्तिष्क की आर्थिक स्थिति सभी नागरिकों की लगभग कमजोर हुई है, इससे तो उनको कुछ इसमें राहतें मिले, जैसे रेल के किराए को ना बढ़ाया जाए और पेट्रोल डीजल में जितना मतलब भारत सरकार कर सकती है उसको कम किया जाए, और बल्कि मैं तो यही चाहूँगा कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आ जाए पेट्रोल डीजल को, और जो व्यापारियों ने जिनके बिजनेस लोन हैं, व्यापारियों के बैंक लिमिट हैं, उन पे लॉकडाउन के टाइम जो ब्याज पे किया है वो भी पे कर रहे हैं वो, तो उसमें मैं चाहता हूँ भारत सरकार मतलब एक व्यापारी वर्ग के साथ खड़े हुए और उसको सहयोग करे। रोजमर्रा की चीज़ें हैं उन पर जो है कंट्रोल होना चाहिए, जैसे रसोई गैस है और खाने पीने की जो रोजमर्रा की हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। रसोई का बजट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऑयल के रेट जो है भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो इससे जो है आम लोगों का जो है बजट डगमगा जाता है, जिसमें 4,000 रुपये रसोई का खर्च करना उसका 6,000 रुपये होता है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि भाई इस पर नियंत्रण रखे और कालाबाजारी ना हो और स्टॉकबाजी ना हो। देश को उम्मीदें बहुत सारी हैं, क्योंकि पिछला वर्ष 2020 जो है सभी को पता है कि कोरोना की वजह से पूरा अस्त व्यस्त रहा। जो मध्यम वर्गीय परिवार थे उनकी एक किस्म के कमर जो है टूट गई, ऐसा कहना रहेगा कि बड़ी दिक्कतें रही मध्यम वर्गीय परिवार को। और बजट में इस बारी सबकी आशा है कि जो रेल बजट आएगा उसके अंदर जो किराए में बढ़ोतरी ना हो और सुविधाएं थोड़ी ज्यादा बढ़ाई जाएं, खास तौर पे सिक्योरिटी को लेकर। रही बात आम बजट, उसके अंदर मध्यम जो व्यापारी हैं उनको ध्यान में रख के बजट पेश किया जाए। बजट आम जनता के हक में होना चाहिए। इतनी महंगाई हो रही है कभी कुछ कि साधारण सा बंदा भी अफोर्ड कर सके, ऐसा होना चाहिए। गरीब बंदों के लिए होना चाहिए कि सब कोई उसमें एडजस्ट कर सके, आम बंदों के लिए। इसमें ऐसा है भी लोगों को कुछ इन्हों देनिया चाहिए, सहूलतें रहता देनिया चाहिए, जिदा लोग अपना बिजनेस अप कर सकन, जैसे नौकरियां दे देन ते चीज़ां सस्तियां कर देन, इनकम टैक्स दे देन। इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए और दुकानदार इस टाइम काम नहीं है दुकानदारों का, उनके लिए रायता होनी चाहिए। इनकम टैक्स है जो
उसके अंदर रिबेट ज़्यादा मिलनी चाहिए है, गवर्नमेंट नू और भी कोई ना कोई जो सोच के सहूलत देनी चाहिए ताकि लोग अपना इजी जिंदगी जी सकें, उनकी इनकम बढ़े। जैसे कि अब आजकल आपको पता ही है कि मुद्दा जो चल रहा है किसानों वाला, पहले तो उनके ही हक में होना चाहिए जो भी बजट आए, ताकि जो मतलब अब उनको उनके हक का जरूर मिलना चाहिए जी। मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं की जरूरतों के लिए। तो जैसे ये है कि आजकल सिलेंडर के भाव इतने हो गए हैं, जो एक आम इंसान है वो अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने घर का जो है खर्चा वो भी बहुत मुश्किल से चला पा रहा है। तो यही मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि इन चीजों में कटौती की जाए, जो सरकार ने वादे किए थे वो अपने वादों पे खरा उतरे। आने वाला बजट 2021, इसको लेकर कैथल के लोगों से बात की गई, महिलाओं से बात की गई, दुकानदारों से बात की गई और स्कूल जाने वाले बच्चों से बात की गई। तो खास तौर पे हम बात करेंगे महिलाओं की। महिलाओं को कहना है कि कोविड के चलते उनके परिवार के रोजगार के कम हुआ है, आमदनी कम हुई है और उनके रसोई का बजट बढ़ा है। उनका मानना है कि मोदी सरकार कुछ ऐसी राहत दे कि उनका रसोई का बजट ना बढ़े और उनकी रसोई थोड़े अच्छे से चल सके। दुकानदारों का मानना है कि कोरोना महामारी के चलते वैश्विक मंदी आई, बाजार का काम धंधा चौपट हो गया, लॉकडाउन में दुकानें नहीं खली, लेकिन अब कुछ धंधा पटरी पे आया है। तो सरकार को चाहिए कि कुछ टैक्सों में राहत दे, GST कम करे और इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ाए जाएं। तो लोगों ने सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, अच्छा करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए भी सुझाव दिए हैं। लोगों का कहना है कि रियल सेक्टर और निर्माण क्षेत्र में सरकार अच्छी कमाई कर सकती है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और आम लोगों को बजट में राहत मिलनी चाहिए। कैथल से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज। सोने चांदी पे मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पे टैक्स कम किया जाए और कुछ महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से भी व्यापार में काफी ठप पड़ा हुआ है और भाव काफी तेज होने की वजह से बाजार निरस्त पड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सोने चांदी के टैक्स कम किया जाए और जिससे बाजार में कुछ रौनक बढ़े। आज के समय में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और रोजमर्रा की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार इन पर अंकुश नहीं लगा रही है और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन कोरोना वायरस महामारी में हमारे आय के साधन तो कम हो गए हैं और हमारा घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं कि आने वाले बजट में सरकार कपड़े से GST को बिल्कुल हटाए। कपड़ा व्यापार चौपट हो चुका है और इनकम टैक्स में रिबेट आम आदमी को रात के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की जरूर वित्त मंत्री दें। मेरी वित्त मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है। मैं आने वाले बजट में कि सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि कृषि के संबंधित जो उत्पाद हैं, जैसे खाद है, कीटनाशक है, उनको GST से बाहर किया जाए जिससे किसानों को राहत मिलेगी और पेट्रोल डीजल जो GST से बाहर है उनको GST के अंदर लाने का प्रयास करें। तो बजट से जो सभी वर्गों को उम्मीद होती है, हमें भी कर्मचारियों को उम्मीद है, रोडवेज के कर्मचारियों को, कि सरकार रोडवेज के बेड़े में जो है बसें बढ़ाए। हमारी मांग है सरकार से, हमने पहले भी मांग पत्र दे रखा है कि कम से कम सरकार 14,000 बसें नवी रोडवेज के अंदर लगाए, लेकर आए, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले। जो सरकार ये ठेके प्रथा पे रख रही है कर्मचारी, ये ठेका प्रथा को बंद करके पक्की भर्ती की जाए और रोडवेज के बेड़े में जो है नई बसें डाली जाएं। सरकार ने ये किलोमीटर स्कीम पे प्राइवेट बसें जो डाल रखी हैं, इन सब बसों को बंद करके रोडवेज के बेड़े में लाए, ताकि सरकार जो है वो जनता को बेहतर सुविधा दे सके। इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ सरकार से कि इस बजट के अंदर वो अच्छी से अच्छी योजनाएं लेके आए, अच्छे से ज़्यादा बसें चलाएं, स्टूडेंट्स और जो बड़े बुजुर्ग सवारियां हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए और बसेज में ज़्यादा भीड़ ना हो और ना ही बच्चे ऊपर बैठना पड़े उनको या फिर लटकना पड़े, और साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था और ज़्यादा से ज़्यादा बसें चल पाएँ टाइम टू टाइम। तो ये सब मेरी आशा है सरकार से इस बजट के। सर ये इनको बसों की सर्विस बढ़ानी चाहिए इनको, जो कि बहुत कम है, ताकि हमारे को भी टाइम टाइम पर सुविधा मिल सके, क्योंकि किराया कम ही नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, किराया बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है, कमाई कम हो रही है, आगे नौकरी नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कहाँ से हम किराया देंगे। देखो जो फेयर है वो थोड़े कम होने चाहिए और सरकार को चाहिए कि जो रोडवेज की बसें हैं उनको ज़्यादा चलाएँ प्राइवेट की जगह पर, और
मेन तो किराया कम होना चाहिए और फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। बस बजट से हम यही चाहते हैं कि बसें बहुत कम हैं, ये ज़्यादा होनी चाहिए और जो किराया है कम होना चाहिए और सवारियों को अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। रात को तकरीबन यात्री परेशान होते हैं यहाँ पर। सर ये बस बजट आने वाला है उससे हमें बहुत ही अच्छी उम्मीद है, क्योंकि जो अब आजकल हम देखते हैं बस सर्विस बहुत कम है। जो मैं खुद स्टूडेंट हूँ, जब मैं बस से आता हूँ कई बार तो ना ऐसे ही बहुत भीड़ होती है, लटक के आना पड़ता है, क्योंकि उससे कोई ना कोई दुर्घटना का हमें डर रहता है, भय रहता है कहीं चोट फेट ना लग जाए। जो अब ये बस बजट आने वाला है उससे हमें बहुत ही अच्छी उम्मीद है। और एक बात और कहना चाहता हूँ सर मैं, जो अब ये प्राइवेट बस सेक्टर है इसको गवर्नमेंट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये अपनी मनमानी करते हैं, कई बार तो बस गलत भी बिहेव करते हैं बसों में। तो इसके जो आगे बस मैं कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट आगे जो बस बजट आने वाला है तो उससे हमें अच्छी बहुत ही अच्छी उम्मीद है। देखिए जहाँ पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहे हैं, वहीं बात की जाए तो बजट को लेकर, बस बजट को लेकर लोगों का कहना ये है कि सरकार को सरकारी बसेस बढ़ानी चाहिए और प्राइवेट बसेस को बंद करना चाहिए और जो लोग किराया बढ़ाया गया उसको कम करना चाहिए। फिलहाल देखना ये होगा कि बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्योवा से कैमरामैन रंजीत के साथ गगन सांगर, हरियाणा। नए बजट से उम्मीदें क्या बताएं, जो कोरोना काल है ना उसकी वजह से वैसे ही सरकार के हिदायतों के अनुसार काम बंद थे, और जिस तरह से GST वगैरह होटलों पर सर्विस चार्जेज वगैरह जो भी लगाए गए हैं हम तो चाहते हैं वो वापिस हों, और जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अगर सरकार कर देती है तो बहुत ही अच्छा बजट माना जाएगा, नहीं तो हमारे लिए तो जैसे पहले बजट आता था वैसे फीका बजट रहेगा। देखिए आपको पता है कोरोना काल में रेस्टोरेंट लाइन, स्कूल लाइन, इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हम तो गवर्नमेंट से ये उम्मीद करेंगे कि टैक्सेशन वगैरह में बहुत छूट मिल जाए और ऐसा कुछ पैकेज निकले ताकि हमारे ग्राहक बढ़ें और जो भी हमने नुकसान झेला है कोरोना काल में उसकी भरपाई हो सके, ये उम्मीदें हम इस साल के नए बजट में करते हैं। बजट भैया ऐसा आना चाहिए, हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है, रोजगार ज़्यादा होना चाहिए। हमारे देश के युवा बाहर देशों में जाने लग रहे हैं, हमारे देश में रोजगार नहीं रहे, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने रोजगार पर विचार अपना वो करना चाहिए। तो इस कोरोना काल में हमारे देश की जो गति रुक गई थी, हम सरकार से आस करते हैं कि अब अच्छा बजट लेके आए जिससे गरीब को, किसान को और जो छोटे स्तर के खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होना चाहिए। हमारे जो खिलाड़ी हैं, छोटे स्तर के खिलाड़ी हैं, उनके लिए सबसे अच्छा होना चाहिए, वो गरीब परिवारों से होते हैं। जो बजट से देखिए यही उम्मीद लगा सकते हैं कि हम जैसे युवा है, आजकल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी के कारण जो युवा भटक रहे हैं वो ढंग से अपना परिवार को और इन सबको सुख नहीं और अपने वो नहीं कर पा रहे, तो यही उम्मीद है सरकार से कि वो एक अच्छा बजट पेश करे युवाओं के लिए जिससे रोजगार मिले उनको और ये क्राइम दर जो है ये घटे और सभी का भला हो और नौकरियां वो बढ़े। रेलवे बजट से मैं यही आशा करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिले और जो रेलों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो उनकी जगह इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब इनकी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जैसे यूपी, बिहार, जो यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं उनको और ज्यादा सहूलियत हो, नहीं नहीं बेचारे किराया कैसे देंगे इतनी दूर दूर का, उनको काम मिलेगा, रोजगार उनका भी बढ़ेगा और हमारा भी बढ़ेगा, युवा सरकारी नौकरियों के प्रति जागरूक भी होंगे। सरकार से ये आशा करती हूँ इस बजट में इस रेलवे को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दिया जाए इस बजट में। रेलवे बजट से ये उम्मीद करते हैं जी, जैसे रेलवे बजट है नए बच्चे जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि रेलवे उनको रोजगार दे और रेलवे को मतलब प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये जो अपने हरियाणा में ये आया हुआ था रेलवे का भाई फैक्ट्री आनी थी, रेल फैक्ट्री आनी थी, वो भी नहीं आई हरियाणा में रेल फैक्ट्री, तो अब जैसे नए बच्चे हैं वो बेरोजगारी की तरफ और भाई बदमाशी की तरफ घूम रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पढ़े लिखे बच्चे भी बदमाशी कर रहे हैं भाई, किसी को गोली मार रहे, किसी को लूट पाट कर रहे हैं, किसी को आठ दी को लूट रहे हैं, किसी दुकानदार को लूट रहे हैं, तो इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई रेलवे का जो बजट आए नए बच्चों को रोजगार मिले। फिलहाल के लिए इतना ही।